सीसीएल विभिन्न परियोजनाओं में कोयले के लोकल शहर में सेल में किस तरीके से हेराफेरी की जाती है, इसका खुलासा सोमवार देर रात धोरी एरिया के अमलो सेल कांटा में तब हुआ जब सीआईएसएफ की क्यूआरटी की टीम ने एक ट्रक को धर दबोचा। इस ट्रक में कोयला ओवरलोड लेकर बगैर कांटा कराया जा रहा था। टीम द्वारा धरे जाने के बाद लोगों ने बवाल काटना शुरू कर दिया। स्थिति को देखते हुए ट्रक को वापस ले जाना पड़ा और ट्रक से ओवरलोड कोयले को निकालकर कांटा कराया गया। हालांकि इस बीच कई तरह के लोगों ने बात कही, उसमें स्थिति को देखते हुए संबंधित लोगों ने यहां तक यह कह डाला कि इसे मैनेज कर लिया जाए अन्यथा कई लोग फंस जाएंगे। वीडियो में देखा व सुना जा सकता है, मौके पर बेरमो पुलिस भी पहुंचकर स्थिति को देखते हुए मामले को शांत कराया। हालांकि इस संबंध में थाने में किसी भी प्रकार का कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई गई। इस संबंध में पुलिस निरीक्षक थाना प्रभारी रविंद्र कुमार सिंह ने बताया कि पेट्रोलिंग पार्टी द्वारा इसकी सूचना उन्हें दे दी गई है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का कोई कंप्लेंट नहीं आया है, इसलिए कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। वही मंगलवार को परियोजना प्रबंधन ने कांटा घर में तैनात क्लर्क विनय कुमार मिश्रा और मनोज कुमार पर कार्रवाई करते हुए उन्हें स्थानांतरित कर दिया गया। इस संबंध में ट्रक मालिक सह करगली बाजार निवासी राजन साहब ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, बेवजह लोगों ने इसे तुल दे दिया है, यह कोयला राहुल कुमार के अकाउंट से दलाई की गई। घटना की सूचना पाकर क्षेत्र के सुरक्षा पदाधिकारी सीताराम यूके एवं सीआईएसएफ के अन्य जवान व अधिकारी भी अमलो कांटा पहुंच गए। बेरमो पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी भी हंगामे को देखते हुए पहुंच गई। इस संबंध में अमलो के परियोजना पदाधिकारी बीके गुप्ता ने कहा, घटना की सूचना मिलने के बाद मामले की जाँच की गई, कुछ ऐसा नहीं निकला जिसे लेकर लोगों ने विवाद किया था, सब कुछ सामान्य था। अब सवाल उठता है कि जब परियोजना पदाधिकारी के मुताबिक ऐसा कुछ था नहीं तो कांटा घर के दो क्लर्क पर कार्रवाई करते हुए उन्हें वहां से स्थानांतरित क्यों कर दिया गया। प्रबंधन की तरफ से की गई कार्रवाई स्पष्ट करता है कि निश्चित तौर पर ओवरलोडिंग मामले को लेकर बवाल मचा है। हालांकि दो लिपिक पर कार्रवाई मामले को लेकर कई ट्रेड यूनियन के नेताओं ने इसे उच्च स्तरीय जाँच कराने की मांग की है। दूसरी तरफ क्षेत्र के विक्रय पदाधिकारी बैजनाथ प्रसाद ने कहा कि घटना की जानकारी मिलने के बाद ऑफिशियली मामले की जांच करा ली गई है, जांच में क्या मिला इसके डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। अब यहां सवाल उठता है कि अगर कोई मामला था ही नहीं तो विवाद हुआ क्यों, प्रबंधन इस मामले को लेकर जाँच क्यों की, अगर कोई विवाद नहीं हुआ तो हकीकत तथ्य को बाहर क्यों नहीं करना चाहता प्रबंधन। क्षेत्र के विक्रय पदाधिकारी को यह बताना चाहिए कि अगर कोई कार्रवाई की गई तो निश्चित तौर पर मामला संदिग्ध है, कहीं ऐसा तो नहीं अन्य लोगों को बचाने एवं मामले को दबाने के लिए दो क्लर्क को बलि का बकरा बना दिया गया। सूत्रों का कहना है कि यहां कोई बात नहीं है। क्या सिस्टम सही है, बाकी लोगों का सिस्टम खराब है। कहाँ पे उतरता है? उसमें है ना, उसमें 6 घंटा का ही टाइम रहता है सर। करना होगा, पंखा लगा गाड़ी जाएगा वहाँ से उड़ के। डीएमओ का कितना टाइम है तो बताइए, डीएमओ का कितना टाइम है तो 11 बजे लाते डीएमओ का क्या टाइम है तो बताइए, आप डीएमओ का टाइम नहीं बता रहे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।